हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे जो आज पूरे दिन से खबर चल रही है, टेस्ला ने ये क्या कर दिया, एलोन मस्क तेरा जितना बुरा हो सके हो, यही सब चल रहा है आज। तो देखिए साहब, मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियर, मैंने आज के अपने ब्लॉग वाले वीडियो में भी यही चीज़ आपको कुछ समझाने की कोशिश की थी। देखिए, इसमें एलोन मस्क कहीं भी गलत नहीं है, मैं आपको बहुत क्लियर बोलूँ। देखिए, वो एक बिजनेसमैन है और क्रिप्टो करेंसी को अपने बिजनेस के हिसाब से इस्तेमाल करता है, और ये लोग क्या करते हैं, ये अपने क्रिप्टो करेंसी को अपने हिसाब से यूज करते हैं। जब इन्हें पैसे की ज़रूरत होती है निकाल लेते हैं, जब ज़रूरत होती है दो ट्वीट मारते हैं, हम लोग पागल हो जाते हैं और वो फिर से एंटर कर जाते हैं। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। तो वही किया एलोन मस्क ने, मेरे हिसाब से देखिए उस बंदे ने कुछ गलत नहीं किया, उसके पास चीज़ थी, उसकी चीज़ है, उसने बेच दी। अब इसमें मार्केट क्या करेगा, मार्केट तो देखिए नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि उसका, वो कहते हैं कि नाम बिकता है अगले का, जो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, उससे भी और ज़्यादा ज़्यादा होल्डिंग वाले पड़े हुए हैं लेकिन वो दिखते नहीं हैं। एलोन मस्क क्या है, दिखता है, वो अपनी पॉपुलैरिटी को बेचता है। देखिए, मैं उसी हिसाब से कहूँ, देखिए 75% जो उसने बेची है, मैं आपको एक कंपेरिजन करके दिखाऊँ। देखिए, ट्विटर डील उसने की, ट्विटर डील जो आपकी थी 44 बिलियन की, ठीक है जी, और उसने ये बेचा कितने का है, 75% जो अपना शेयर बेचा, वो बेचा है केवल 1 बिलियन का। क्या बंदा इतना कमजोर था कि 1 बिलियन के लिए वो BTC बेचेगा? दूसरा, अब इसके पीछे जो रीजन दिया है वो दिया है कि साहब चाइना में हमारा कुछ सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था, हमारा लॉकडाउन की वजह से, सब पैसे की वजह से अस्त व्यस्त था। क्या 1 बिलियन के लिए? भाई साहब, 1 बिलियन उसके लिए, वो कहते हैं हाथ का मैल है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबसे अमीर आदमी है वो। वो 44 बिलियन की ट्विटर डील कैंसिल कर सकता है जो आदमी, तो उसके लिए 1 बिलियन कोई मायने नहीं रखता। आप थोड़ा सा सोच के देखिए इस चीज़ को। लेकिन क्या है, वो यूज करता है, तो उसने वही किया, क्रिप्टो को उसने यूज किया, उसने देखा। देखिए, अगर उसको सेल करना होता तो एक बात बताइए, अभी बिटकॉइन इतना नीचे गया क्यों नहीं भाई, क्यों? अभी उसने देख लिया यहाँ पर आ गया, और आगे और मामला खराब होने वाला है। हम लोग उस चीज़ को देखते नहीं, वो लंबा सोचते हैं, लेकिन हम तो चिल्लर वाले हैं ना, कि चिल्लर मिला नहीं कि हम खुश हो गए, बौखला गए, कूदने लगे। वो क्या है, वो चिल्लर नहीं सोचते, उनकी सोच भी उतनी ही बड़ी है, तो वो उसी हिसाब से सोचते हैं। उनने भी आगे देख लिया कि मामला आगे खराब ही होना है, अभी अच्छा नहीं होना है। लेकिन हम क्या है कि जरा सा ग्रीन हुआ, बौखला गए, पुलिस आ गया, BTC 52,000 पे गया, BTC 60,000 पे गया, बगैर सोचे समझे चिल्लाने लगे। तो उसने उसी चीज़ का इस्तेमाल किया, उसने अकेले ने नहीं किया है, एक और डील हुई है जो किसी को पता ही नहीं, ज़्यादा 46,000 BTC एक अननोन वॉलेट ने और भी बेचे हैं, जो लाइम लाइट में बिल्कुल भी नहीं है, जैसे इसकी टेस्ला की जो जैसे हाईलाइट में है। तो उसने ये 46,000 BTC और बेचे, उसका तो कोई ज़्यादा चर्चा में ही नहीं है कि और भी बिक चुका है माल। दूसरा, MT GOX के जो है, ये आप अगस्त आ गया आपका, उसका भी लगभग 1,37,000 BTC मार्केट में आने वाला है। अरे मैं कहता हूँ 1,37,000 पूरा नहीं आएगा, अगर 25-30-40,000 भी आ गया तो भी मामला खराब हो जाएगा। एक सोच के देखिए ना, दोनों तरफ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ लेके चलिए, और अगस्त कोई बहुत दूर नहीं है अब। दूसरा, फेड के जो है आपके 26-27 तारीख को वो इंटरेस्ट रेट का आ जाएगा जो भी है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं साहब जो कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा बुलिश ट्रेंड हमें नहीं दिखाती कि ऐसा बुलिश ट्रेंड आ रहा है। ये सिर्फ कहीं ना कहीं अभी भी ये उसी में है कि हम थोड़ा सा, वो कहते हैं कि रिकवरी वाला हिसाब है कि साहब रिकवरी हल्की सी मिली थी, उसमें भी ये हो गया। तो मैं तो ये कहता हूँ, देखिए साहब वो एक बिजनेसमैन है, उसने जो किया अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया, भाई हमें ज़रूरत होगी तो हम भी बेचेंगे। लेकिन क्या है कि वो अपनी पॉपुलैरिटी को बेचता है, इसलिए मार्केट पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दिया भी है। देखिए, 6.5-7% तक जो है BTC और इथेरियम गिर चुके हैं भाई, इन्होंने अभी 15% का तो पंप लिया था, उसमें से आधा तो ये गिर गए भाई, टोटल इनका जो पंप था वही तो था भी भाई, BTC का इतना 15-16% का पंप था, उसमें से आधा तो आज गिर गया। अगर एक आध कोई और डील ऐसी कहीं सामने आ गई तो BTC फिर से वहीं आ जाएगा जहां से चला था। तो इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा जो है ना होल्ड कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, ये क्रिप्टो है, और दिल मत लगाइए। मैं तो साफ कहता हूँ, यहाँ कमाने आए हो भाई, कमाइए, और वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से देखिए, वो बिजनेसमैन है, उसने अपना जो किया ठीक किया, समझना हमें और आपको है।
जो हम नहीं समझते। मैंने पहले कहा ना कि हम लोग छठे हुए बेवकूफ हैं, वही कहानी है। और वो लोग बड़ा सोचते हैं और बड़ा ही गेम खेलते हैं, और हम लोग तो सोच भी नहीं पाते वहां तक। तो इसलिए मेरे भाई क्रिप्टो है, क्रिप्टो के हिसाब से देखिए उसको, दिल लगा के नहीं। और हम लोग वहीं गलती कर रहे हैं। तो देखिए अभी मार्केट का जो हाल है सबके सामने है। BTC आपका लगभग 5.5-6 से 7% गिर चुका है। इथेरियम का भी वही हाल है। तो मैं तो ये कहूँगा, देखो साहब मैंने पहले भी कहा है कि अगर 24,200 का आंकड़ा अगर ये एक दिन होल्ड करता है तो ही 28,000 तक जाएगा। लेकिन साहब वो तो एक दिन तो छोड़े, घंटे भी नहीं रुका वहाँ पे, एक दिन का तो मारो गोली। तो मैंने ऐसे ही नहीं कहा था, कुछ न्यूज़ थे मेरे पास ऐसे जो मैंने पढ़े थे, कहीं आर्टिकल्स वगैरह ऐसे बहुत ऐसे देखा मैंने, तो उसी आधार पर मैंने इसको कहा था कि, जबकि मैं तो इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं आपको ऐसा कोई आंकड़ा दूं, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा सर बाइंग बाइंग बाइंग, तो इसलिए फिर मुझे वो एक आंकड़ा देना पड़ा था। लेकिन वो भी मैंने ऐसे फेक नहीं, तुक्के में नहीं मारा था। अगर मुझे तुक्के में मारना होता तो बहुत है भाई साहब, मैं तो कोई बोल देता 22,000 ऊपर चला जाएगा तो पुलिस हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैंने आपको इसलिए बोला था कि 24,200 का आंकड़ा अगर ये एक दिन होल्ड करेगा तो 28 तक भी जा सकता है, लेकिन वहाँ तो ये घंटे दो घंटे भी नहीं टिका। तो साहब ये है कुछ चीज़ें, और मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ कि कम से कम 27-28 तारीख तक रुकिए। और अब तो अगस्त का भी मुझे बड़ा डावाडोल सा हिसाब लग रहा है, क्योंकि फेड के जब इंटरेस्ट रेट आएंगे उसके बाद देखिए फिर मंथली क्लोजिंग होगी, और मंथली क्लोजिंग के बाद क्या निकल के आता है भाई, कहाँ से अपना बेटे से स्टार्ट करता है, वो भी देखने वाली चीज़ होगी। तो बेहतर ये है कि थोड़ा पेशेंस रखिए और 27-28 तक थोड़ा इंतजार कर लीजिए, कुछ नहीं बिगड़ा जा रहा है। और बाकी कल का वीडियो मेरा ब्लॉग चैनल पर आएगा, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है वो कर लीजिए। और आज का चैनल भी, वो आज का वीडियो भी आपने देखा, बहुत से लोगों को संतुष्टि मिली इस चीज़ से। और कल आएगा ग्राफ के ऊपर के ग्राफ में कैसे कैसे खेल खेला जाता है। तो जिन्होंने नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्रेजी मिंटू ब्लॉग्स। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।